हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ सोनी। वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ले लिया थोड़ा सा आटा, उसमें डाल दिया थोड़ा सा चीनी और फिर थोड़े से पानी से उसे मैं घोल लूँगी। आप फोर्क से, विसर से या हाथ से उसको घोल लीजिए। इतना घोलिए कि लम्स ना पड़े और एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। और इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसमें थोड़ी सी डालेंगे इलायची पाउडर और फिर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हम जिसे कहते हैं, ये फेंट लेंगे। फेंटने के बाद देखिए इसकी स्मूथ बन गई ना बैटर। अब इसे हम डायरेक्ट तेल पे छान लेंगे। आपको तेल में नहीं खाना हो तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। ये तवे पे पैनकेक हो जाएगा। और कढ़ाई में इसका मेरे तरफ से नाम है लिटिल कढ़ाई केक। फनी है बट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाओ, बार बार आप खाओगे और आपके बच्चे तो जरूर ही खाएंगे। बच्चों का तो फेवरेट है ये। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। जब पैनकेक में अंडा या बिना केला, बिना दूध का नहीं बनता, बट ये पानी से ही आपका पैनकेक तैयार है, कढ़ाई केक सॉरी। ये देख रहे हो इसमें बबल्स, यही पैनकेक का मार्क है। आप इसमें देखो, और हेल्दी भी है, मैदा नहीं है, जो आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा। ये देखो इसमें कितनी क्रिस्पी सी आवाज आ रही है ना, कड़ारी अंदर से सॉफ्ट क्योंकि आटा है, ऊपर से क्रिस्पी। आप एक बार खाओगे, पर डे खाओगे। शाम के समय बच्चों को पढ़ते भूख लगती है तो इस टाइम का ये मेरा छोटा आदू देखो, ये बहुत प्यार से खा रहा है। और छोटो बड़ा तो मुझे दिया ही नहीं, देखो मैं लेते गई, मेरे हाथ से भी छीन लिया। तो बट एनीवे फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई जरूर करना, कैसा लगे प्लीज़ बताना। थैंक यू, बाय बाय।